बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल अगर स्टार्ट ना हो रहा हो तो उसको किस तरह से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये कार्बोरेटर का पेट्रोल चेक करना है कि पेट्रोल इधर से आ रहा है कि नहीं। पैप से पेट्रोल चेक करेंगे, उसके बाद अगर पेट्रोल सही आ रहा है फिर इसको किक मारेंगे, चेक करेंगे इसका करंट। अगर करंट बिल्कुल ठीक आ रहा है फिर इसका प्लग खोलेंगे, ठीक है। प्लग खोल के साफ़ करके लगाएंगे फिर बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही फिर खोल के नया लगाएंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, इसके बाद यहाँ पे फिंगर रख के आपको किक मारना है। अगर प्रेशर यहाँ दे बाइक तो इसका मतलब इसका प्रेशर सही है। अगर यहाँ पे फिंगर को बाहर की तरफ धकेल रही है तो प्रेशर सही है, और किक से भी अंदाजा हो जाता है। अगर किक बिल्कुल ऐसे होगा जैसे बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी, ऐसे मारेंगे आप तो नीचे जाएगी, उससे भी जो आपको वाल का पता चल जाएगा। वाल का होता है ये मसला, इंजन में ये मसला होता है। इसके बाद जो करंट का मसला होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये आपने खोलना है, उसके बाद इसका होल्डर हमने निकाला है और इधर से इसका करंट चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे चाबी स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पे पकड़ के ऐसे यहाँ पे करंट चेक करेंगे। ये देखें आप, करंट बिल्कुल तेज़ी से आ रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ठीक है, इसमें करंट आ रहा है, इसका मतलब है इसकी वायरिंग जो है बिल्कुल ठीक है। अगर ये बाइक फिलहाल स्टार्ट होती है, अगर ना हो तो इसको कैसे चेक करते हैं वो ही आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसका साइड कवर खोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वायर्स हैं। इनमें से पहचानने के लिए हमको ये वायर यहाँ से जो कॉइल कड़े से आ रही है, ये इन सब को पकड़ के यहाँ से एक आ रही होगी, ये देखें जी, ये है रेड ब्लैक, ब्लैक तार है, रेड इस पे लकीर है। इसको आपने यहाँ पे इस नट के साथ टच करके किक मारना है। अगर इसमें करंट आ रहा है फिर आपका क्वेल कड़ा ओके है। अगर यहाँ पे करंट नहीं आ रहा फिर यहाँ पे देखेंगे, ये इसको CDI यूनिट को चेक करने के लिए आपको ये एक वायर है पीली और काली, इसको आपने चेक करना है इसका करंट। अगर इसमें करंट आ रहा है तो इसका मतलब CDI यूनिट ठीक है, अगर इसमें करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब CDI यूनिट जो है वो ख़राब है। इसमें आपने करंट चेक करना है, इसका करंट क्वेलकड़े से के करंट से ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर यहाँ पे अभी करंट आ रहा है फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, इधर करंट नहीं आ रहा, प्लग के पास करंट नहीं आ रहा, प्लग के ऊपर करंट नहीं आ रहा, यहाँ पे करंट आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी इग्निशन कॉइल ख़राब है। जो प्लग कॉइल भी बोलते हैं, इग्निशन कॉइल भी बोलते हैं, वो ख़राब है। अगर यहाँ करंट नहीं आ रहा तो कॉइल कड़ा ख़राब है। अगर ये देखें जी, ये जो है ना रेड ब्लैक तार कॉइल कड़े से जो आ रही है, इसमें अगर करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका कॉइल कड़ा ख़राब है। अगर यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब CDI यूनिट ख़राब है। ये जो है पीली और काली तार है, इसमें अगर नहीं आ रहा तो CDI यूनिट ख़राब है। अगर इसमें भी करंट आ रहा है और आगे प्लग के ऊपर नहीं जा रहा तो फिर इग्निशन कॉइल ख़राब होगी। इसके बाद अगर यहाँ तक मुकम्मल करंट आ रहा है फिर प्लग का मसला होगा, प्लग चेंज करके देखें, और वाल का मसला होगा या फिर इसका कार्बोरेटर चेक करें। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।